हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एस एजुकेशन। और आज हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 और उससे आगे। तो आइए स्टूडेंट हम लोग देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स। तो यूनियन के बारे में हम समझते हैं, यूनियन होता क्या है। तो दो सेट में स्टूडेंट यहां पे हम समझ लेते हैं, दो सेट जैसे कि ए में मान लीजिए कि 1, 2, 3, 4 ये हुआ, और बी में अगर 2, 4, 6 ये हुआ, तो यूनियन इन दोनों का होगा ए यूनियन बी। इसे कहेंगे क्या कहेंगे, ए यूनियन बी कहेंगे। और इन दोनों में देखिए क्या होगा कि दोनों में जो शामिल होगा उसको लिख देंगे, जैसे 1, अब तो 1 तो दोनों में है नहीं शामिल, तो जो शामिल होगा दोनों में वो लिख देंगे, या फिर जो नहीं शामिल होगा उसको भी लिखेंगे। यानी जो शामिल होगा वो भी लिखा जाएगा और जो नहीं शामिल होगा वो भी लिखा जाएगा। बस फर्क इतना है कि दो बार नहीं लिखा जाएगा, जैसे 2 है तो 2 एक ही बार। यानी कि सेट में एक तो एलिमेंट रिपीट नहीं होता है, ये तो हम लोग जानते ही हैं, इसीलिए रिपीट नहीं होगा। तो 1, 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 4 हो गया, उसके बाद 6 हो गया, ये हो गया यूनियन। वहीं अगर हम इंटरसेक्शन की बात करें, इन दोनों में इंटरसेक्शन की बात करें, तो जो जो मिलेगा वही लिखा जाएगा। अब 2 मिल रहा है और 4 मिल रहा है, बस यही दो मिल रहा है, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन में 2 और 4 होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रही होगी मेरी बात कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो आइए हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 और फिर उससे आगे। तो पहले तो 1 ही देख लेते हैं, यहाँ पे यूनियन बताना है। तो 1, 3, 5 एक्स में और वाई में 1, 2, 3 है, तो यहीं पे हम सॉल्यूशन लिख देते हैं इसका कि 1, 3, 5 और 1, 2, 3 जो जो मिलेगा, पहले तो एक्स यूनियन वाई ऐसे निशान लगाएंगे, उसके बाद लिखेंगे क्या लिखेंगे। तो क्या क्या मिल रहा है हम देख रहे हैं यहाँ पे, 1 मिल रहा है, 1 तो 1 लिख देंगे। फिर क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 2 नहीं मिल रहा है फिर भी 2 लिखेंगे क्योंकि 2 है। उसके बाद 3 मिल रहा है, 3 एक ही बार होगा, और फिर 5 है तो 5 भी लिखा जाएगा। मतलब मिले या ना मिले उससे कोई मतलब नहीं है, हम सारे एलिमेंट को लिखेंगे, बस शर्तें ये है कि कोई एलिमेंट दो बार नहीं लिखेंगे, बस उतना ही लिखेंगे जो दोनों में मिला के हो। ठीक, ए एंड बी यहाँ पे सॉल्यूशन इसका लिखते हैं ए एंड बी में। तो ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है, ए बी सी है, तो हम क्या लिखते हैं, ए यूनियन बी। तो हम ए यूनियन बी में जब लिखते हैं तो ए लिखेंगे, बी लिखेंगे, सी लिखेंगे, क्योंकि एक लाइन से हो जाएगा। ई आई ओ यू, ई आई ओ एंड यू लिख देंगे, यही हो गया ए यूनियन बी। अब यहाँ पे ए यूनियन बी हम देखेंगे, तो ए यूनियन बी देखने के लिए हम यहाँ पे देखते हैं एक बार। अच्छा हाँ ठीक है, क्योंकि हमने हमको देखना था कि एक्स वाई ही लिखा हुआ है क्या यहाँ पे, इसलिए बुक की जरूरत पड़ी। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, सब में एक्स वाई है, केवल ऊपर वाले में एक्स वाई है, बाकी सब में ए बी है। तो आगे देखते हैं हम लोग, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। तो पहले तो देख लेते हैं नेचुरल नंबर और मल्टीपल ऑफ 3। एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, तो ये ए क्या हो जाएगा, ए हमारा हो जाएगा सॉल्यूशन, ए हमारा क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर है, मल्टीपल ऑफ 3 है, तो 3, 6, 9 ऐसे आगे चल आगे तक चला जाएगा, पता नहीं कहाँ तक, हमको नहीं पता है, बहुत दूर तक जाएगा। बी को अगर डिफाइन करें तो एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो बी कैसे लिखा जाएगा, तो बी लिखा जाएगा 6 से कम, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो 1, 2, 3, 5 ये लिखा जाएगा हा? तो ये हम लोग लिख देंगे। अब इसका यूनियन कैसे लिखेंगे, तो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या जाएगा, 1, 2, 3, 5 एंड मल्टीपल ऑफ
3 एंड मल्टीपल ऑफ 3, ये हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, ए एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड एक्स इज इन बिटवीन 1 एंड 6 वेयर एक्स इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस और इक्वल टू 6। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ए हमारा क्या हो जाएगा, ए 1 और 6 के बीच में, 1 से ज़्यादा और 6 के से कम या बराबर है, तो 1 से 6 तक हमारा होगा, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा क्या है x सच दैट x इज नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है और वहाँ पे 1 से ज़्यादा है यानी कि सॉरी, तो ये 2 नहीं होगा, 1 से ज़्यादा है तो 2 बिल्कुल नहीं होगा, और 6 के बराबर या 6 से कम है तो ये होगा। फिर b के बारे में हम लोग देखते हैं, b क्या बोल रहा है, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड x इज इन बिटवीन 6 एंड 10 वेयर x इज ग्रेटर देन 6 एंड लेस देन 10। तो 6 से ज़्यादा और 10 से कम यानी 7, 8, 9, यही तो हुआ, 6 से ज़्यादा 7 है, 7, 8, 9। अब दोनों का अगर हम यूनियन निकालें, ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी निकालें तो हम देखते हैं क्या कि 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा एंड 9 हो जाएगा। तो ये ए यूनियन बी हो गया, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब ए एंड बी, ए में 1, 2, 3 है और बी में 5 है, बी में 5 है, 5 यानी कि कुछ नहीं है, तो क्या हो जाएगा ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी अगर इसका करें तो 1, 2 एंड 3 होगा और 5 है इसलिए कुछ नहीं, तो 5 तो लिखा नहीं जाएगा, यही हो जाएगा। यानी कि अगर हम इसको कह दें कि ए ही हो गया तो ऐसी कोई गलत बात नहीं होगी, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 1। तो आप वीडियो पॉज करें या स्क्रीनशॉट लें और इसे नोट करें, हम लोग देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2। और ये है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं, लेट ए इज ए बी एंड बी इज ए बी सी इज ए सबसेट ऑफ बी, क्या ए बी का सबसेट है ये बताना है हमें, व्हाट इज ए यूनियन बी और ए यूनियन बी क्या है ये हमको बताना है। तो पहले तो हम लोग देखते हैं कि सबसेट है कि नहीं, सबसेट के बारे में तो हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि सबसेट होता क्या है। तो अगर ए के सभी एलिमेंट बी में हो तो ए बी का सबसेट होता है, तो यस क्या लिख देंगे, ए इज सबसेट ऑफ बी, ये एक नंबर बात हो गई, क्योंकि बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ बी, ये हो गया, हो गया ठीक। व्हाट इज ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी क्या होगा हमारा, देखिए ए यूनियन बी क्या हो, ए बी है तो ए बी, ए बी हो गया, और सी बी है तो सी बी लिख देंगे। तो क्या हम ये नहीं कह सकते हैं कि बी, ए यूनियन बी इज बी, ठीक। अब थर्ड नंबर, इफ ए एंड बी आर टू सेट सच दैट ए इज अ सबसेट ऑफ बी देन व्हाट इज ए यूनियन बी, अभी तो हमने देखा, तो लिख देंगे इफ सॉल्यूशन, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी देन ए यूनियन बी इज बी, ठीक। अब यहां पे बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4, इफ ए इज इक्वल टू दिस मच, बी इज इक्वल टू दिस मच, सी इज इक्वल टू दिस मच एंड डी इज इक्वल टू दिस मच, फाइंड ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो सॉल्यूशन हो जाएगा, पहले ए हम लिखेंगे 1, 2, 3, 4, बी लिखेंगे 3, 4, 5, 6, ए यूनियन बी लिखेंगे, क्या लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ये हो गया हमारा, ठीक। आगे
सॉल्यूशन सेकंड के लिए ए लिखेंगे। ए हमारे पास क्या है, 1, 2, 3, 4। सी लिखेंगे क्योंकि सी से यूनियन निकालना है हमको, तो 5, 6, 7, 8 और लिख देंगे ए यूनियन सी। ए यूनियन सी लिखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ए यूनियन सी यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 क्योंकि कुछ तो मिल नहीं रहा है तो सीधे 5, 6, 7 एंड 8 ये हो गया बी यूनियन सी सॉल्यूशन। तो बी लिखेंगे पहले, बी क्या है हमारे पास 2, 3, 4, 5, 6 तो 3, 4, 5, 6 ये बी है। और सी हमारे पास क्या है, सी है हमारे पास सी लिख देंगे 5, 6, 7, 8 5, 6, 7 एंड 8। अब मिलाते हैं क्या क्या मिलेगा बी यूनियन सी में, तो बी यूनियन सी निकालते हैं 3, 4, 5, 6, 7, 8 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 ये हो गया। यहाँ पे देखते हैं बी यूनियन डी के लिए, तो बी एक बार और लिखेंगे, बी हमारे पास क्या है 3, 4, 5, 6 तो 3, 4, 5 एंड 6 और डी, अब डी हम निकालेंगे, डी हमारे पास क्या है 7, 8, 9, 10 तो क्या हो जाएगा बी यूनियन डी हो जाएगा 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10 यही तो होगा, ये हो गया। अच्छा अभी और भी है, अगर हम इसको मिटा दें तो हम आगे भी देख सकते हैं, और भी कुछ क्वेश्चंस आपके बाकी रह गए। ये मिट गया ये, और आगे कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं। क्या क्वेश्चंस है इसमें, लग रहा है हवा से ढक गया, इधर उधर पेज उलट गया, तो हम लोग 1.3 है ये, तो ये हमारा 1.4 रहा। तो हमने भी देखा क्वेश्चन नंबर 4 तक, अब 5 बोल रहा है, 5 में बोल रहा है ए यूनियन बी यूनियन सी, तो सॉल्यूशन ए यूनियन बी यूनियन सी यानी ए बी एंड सी, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो क्या हो जाएगा, आप लोग लिख लीजिएगा ए पहले फिर बी लिखिएगा फिर सी लिखिएगा तब लिखिएगा ए यूनियन बी यूनियन सी। हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 8 ये हो गया। 6 नंबर में क्या है, 6 नंबर में ए यूनियन बी यूनियन डी, ए यूनियन बी यूनियन डी, ए यूनियन बी यूनियन डी, यहाँ पे देखते हैं क्या होगा ए यूनियन बी यूनियन डी के लिए, ए बी एंड डी तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 क्या जाएगा 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 फिर सी में बी सॉरी बी में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6 क्योंकि 5, 6 क्यों, क्योंकि 3, 4 तो पहले ही लिख दिए हैं 5, 6 अब 7, 8, 9, 10 7, 8, 9 एंड 10 ये हो गया। और भी है क्या,
एक और है क्वेश्चन नंबर सेवन, तो सेवन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन बोल रहा है बी यूनियन सी यूनियन डी, बी यूनियन सी यूनियन डी, यहाँ पे देख लेते हैं बी यूनियन सी यूनियन डी, बी थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, तो क्या हो जाएगा थ्री फोर फाइव सिक्स, थ्री फोर फाइव सिक्स, ये अच्छा बच गया क्या सेवन एट, तो सेवन एट अच्छा, उसके बाद क्या बचा नाइन टेन, नाइन एंड टेन, क्योंकि कोई एलिमेंट दोहराया नहीं जाता है, यानी कि रिपीट नहीं करते किसी एलिमेंट को, तो ये सेवन नंबर था। आई होप आपको समझ में आया होगा, आगे हम लोग देखते हैं। आप वीडियो को पॉज कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने नोटबुक पर नोट कीजिए, आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव और उससे आगे। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर फाइव हम लोग का, तो आइए क्वेश्चन नंबर फाइव हम लोग देखते हैं। फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स ऑफ इक्वेशन वन एवोव वन, क्वेश्चन सॉरी क्वेश्चन वन एवोव, क्वेश्चन वन में शुरू में जो दिया हुआ है उसी को हमको सॉल्व करना है क्वेश्चन फाइव में, लेकिन उस समय हमने यूनियन निकाला था, हमको इंटरसेक्शन निकालना होगा। तो इंटरसेक्शन निकालेंगे हम अगर, तो ये देखिए एक्स इंटरसेक्शन वाई सॉल्यूशन। अब इंटरसेक्शन में तो हम लोग जानते हैं क्या 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 होता है कि जो जो मिलता है उसी को लिखते हैं, तो वन थ्री मिल रहा है, वन थ्री मिल रहा है, वन थ्री, यहाँ पे वन थ्री है, यहाँ पे भी वन थ्री है, ये हो गया सॉल्यूशन। यहाँ पे देखिए ए ई आई ओ यू है, ए बी सी है, तो केवल ए मिल रहा है, ए इंटरसेक्शन बी, ए हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे देखिए पहले इसको लिख लेते हैं, एक्स इज दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ थ्री, तो मल्टीपल ऑफ थ्री, तो ये क्या हो जाएगा, ए हमारे पास हो जाएगा थ्री सिक्स नाइन और ऐसे ही आगे पता नहीं कहाँ तक जाएगा, बी एक्स इज दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड लेस देन सिक्स, तो वन टू थ्री फोर फाइव, अब इन दोनों में क्या मिलेगा, थ्री मिलेगा, ए इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू क्या जाएगा थ्री हो जाएगा, X इज दैट X इज ए नेचुरल नंबर एंड X इज इन बिटवीन वन एंड सिक्स वेयर X इज ग्रेटर देन वन एंड लेस और इक्वल टू सिक्स, तो ये क्या हो जाएगा A, कहने का मतलब कि वन से ज़्यादा है और सिक्स से कम या बराबर है, तो वन से ज़्यादा तो टू थ्री फोर फाइव, क्योंकि सिक्स और सिक्स भी होगा क्योंकि सिक्स के बराबर है। अच्छा यहाँ पे एक्स इज दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड एक्स इज इन बिटवीन सिक्स एंड टेन वे एक्स इज ग्रेटर देन सिक्स एंड लेस देन टेन, तो सिक्स से ज़्यादा और टेन से कम, तो सेवन एट नाइन ये होगा, इन दोनों में क्या मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, तो ए इंटरसेक्शन बी इज, जब कुछ नहीं मिलता है तो क्या होता है फाइव होता है, कुछ तो नहीं मिला टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, तो फाइव हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये और ये इन दोनों में क्या मिल रहा है फाइव मिल रहा है, ए में है वन टू थ्री और बी में है फाइव, तो दोनों में क्या मिलेगा सॉल्यूशन जो हमारा होगा ए इंटरसेक्शन बी, तो क्या हो जाएगा फाइव हो जाएगा, क्योंकि कुछ नहीं मिल रहा तो फाइव मिलता है। तो इस तरीके से हमने देखा क्वेश्चन नंबर फाइव, आप वीडियो को पॉज कीजिए या फिर स्क्रीन शॉट लीजिए और इसको अपने नोटबुक पर नोट कीजिए, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर सिक्स, तो आइए क्वेश्चन नंबर सिक्स को देख लेते हैं। यहाँ पे इंटरसेक्शन लिखना है, इफ ए इज दिस मच, बी इज दिस मच, सी इज दिस मच एंड डी इज दिस मच, फाइंड ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है, तो ए हमारे पास सॉल्यूशन, ए हमारे पास क्या है थ्री है फाइव है सेवन है नाइन है इलेवन है, और क्या बोल रहा है इंटरसेक्शन बी, यानी कि बी क्या है हमारे पास सेवन नाइन इलेवन एंड थर्टीन, तो इसी का तो निकालना है हमको, तो आइए निकालिए। देखिए इसमें क्या क्या मिल रहा है, सेवन मिल रहा है और इलेवन मिल रहा है, तो सेवन इलेवन क्या हो जाएगा सेवन इलेवन, यही आंसर हुआ हमारा। अच्छा बी इंटरसेक्शन सी, बी हमारे पास क्या है, बी हमारे पास है सेवन नाइन इलेवन थर्टीन
और सी हमारे पास क्या है, सी हमारे पास 11, 13, 15, 11, 13 एंड 15। तो अब इसको अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इन दोनों में क्या मिल रहा है, 11 मिल रहा है, 13 मिल रहा है, तो 11 एंड 13 यही हो गया। ए यूनियन सी यूनियन डी, ए यूनियन सी यूनियन डी हम डायरेक्ट लिख देते हैं, आप लोग ए अब लिखिएगा। अब यहाँ देखिए, सॉरी यूनियन इंटरसेक्शन है, तो यहाँ पे देखिए ए सी और डी में, ए सी और डी में देखिए, ए और सी में देखिए क्या मिल रहा है, ए और सी में केवल 11 मिल रहा है और डी में कुछ नहीं मिल रहा है। देखिए ए और सी में केवल 11 मिल रहा है और डी में तो कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो ये 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ए सी और डी, ए यूनियन सी यूनियन डी, तो ए यूनियन सी 11 और यूनियन डी 5। ए यूनियन ए सॉरी यूनियन का बार बार यूनियन हो जाए, सॉरी स्टूडेंट्स, इंटरसेक्शन है, तो ए इंटरसेक्शन सी 11 और इंटरसेक्शन डी 5 हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, अभी ए इंटरसेक्शन सी हमने देखा था क्या, इंटरसेक्शन सी है 11 मिल रहा है, ए और सी में 11 मिल रहा है, तो ए इंटरसेक्शन सी यानी कि अगर हम लिख दें सॉल्यूशन 3, 5, 7, 9 एंड 11, ए में 3, 5, 7, 9 एंड 11 है और इंटरसेक्शन सी में कितना है, 11, 13, 11, 13 एंड 15 है। अब दोनों का अगर इंटरसेक्शन हम निकालें तो क्या मिलेगा, 11 मिलेगा, केवल 11 हो गया, ये हो गया। बी इंटरसेक्शन डी यहाँ पे, बी इंटरसेक्शन डी क्या होना चाहिए हमारे पास, बी इंटरसेक्शन डी, बी और डी में क्या मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, बी और डी में कुछ नहीं मिल रहा है तो 5 हो जाएगा, नहीं कुछ मिलता है तो 5 होता है। ए यूनियन बी, तो ए पहले हम लोग लिख लेते हैं, ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास है 3, 5, 7, 9, 11, अच्छा बी यूनियन सी, बी यूनियन सी हमारे पास क्या है, बी यूनियन सी है, यहाँ पे इंटरसेक्शन नहीं है, बी यूनियन सी 7, 11, 7, 9, 11, 13 और 15, 7, 9, 11, 13 एंड 15 ये हो गया। तो अब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी यानी कि इसका इसका इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो क्या हो जाएगा, तो देखते हैं दोनों में क्या मिल रहा है, दोनों में 7 मिल रहा है, 9 मिल रहा है, 11 मिल रहा है, 7, 9, 11, तो क्या लिख देंगे, 7, 9, 11 ये हो गया। ए इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन डी, ए और डी में कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो 5 होगा, जब कुछ नहीं मिलता है तो 5, ए और डी में कुछ नहीं मिल रहा है तो 5। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, ए हमारे पास क्या है, हमारे पास ए है 3, 5, 7, 9, 11 और बी यूनियन डी, बी यूनियन डी हम देखते हैं, बी यूनियन डी, बी एंड डी में, बी एंड डी में कुछ नहीं मिल रहा है, बी एंड डी में देखिए कुछ नहीं मिल रहा है, तो बी एंड डी में कुछ नहीं मिल रहा है, बी यूनियन डी, ओ सॉरी बी यूनियन डी करना है, बार बार गलत हो जा रहा है, बी यूनियन डी, बी यूनियन डी में हम लोग क्या करेंगे, बी यूनियन डी 7, 9, 11, 13, 15, 17 7, 9, 7, 9, 11, 13, 11, 13, 15, 17, 15, 17 ये यूनियन हो गया। ठीक, अब देखते हैं बी यूनियन सी, तो सही लिखा था हमने बी यूनियन सी, यहाँ पे 7, 9, 11, 13, 7, 9, 11, 13 एंड 15, ठीक है। बी यूनियन डी हमने लिखा, बी यूनियन डी यानी कि बी यहाँ पे, ये डी यहाँ पे, तो 7, 9, 11, 13 लिख दिया हमने, 7, 9, 11, 13, उसके बाद 15, 17 लिख दिया। अब इसका इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन देखिए, ए का इंटरसेक्शन किसके साथ, बी यूनियन डी के साथ, तो बी यूनियन डी के साथ इंटरसेक्शन हम निकालते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे इंटरसेक्शन निकालिए, देखिए 3 नहीं मिल रहा है, 5 नहीं मिल रहा है, 7, 9, 11 मिल रहा है,
7 9 11 7 9 11 ये हो गया, ठीक है। नाइन नंबर ए इंटरसेक्शन बी, तो पहले ए इंटरसेक्शन बी निकाल लीजिए। ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या होगा, ए और बी में जो जो मिलेगा, ए और बी में जो जो मिलेगा, 9 11 7 9 11 7 9 11 7 9 11 तो 7 9 11 बी एंड सी 7 9 11 13 15 7 9 11 13 तो 11 13 तो इसमें है ही, तो 7 9 11 13 एंड 15 7 9 11 13 एंड 15 अब इन दोनों का ए इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन बी यूनियन सी से, तो ये मिला दीजिए तो क्या हो जाएगा 7 9 11 बस यही दो मिल रहा है और तो कुछ मिल नहीं रहा है। हाँ तीन मिल रहा है, सॉरी दो नहीं मिल रहा है, तीन मिल रहा है, 7 9 11 7 9 11 मिल रहा है। ए यूनियन डी लास्ट सिक्स का लास्ट है टेंथ, ए यूनियन डी 7 5 9 3 5 7 9 11 3 5 7 9 11 15 17 ए यूनियन डी हम लोग करेंगे सॉल्यूशन में। ए यूनियन डी, ए यूनियन डी, ए यूनियन डी 3 5 7 9 11 15 17 3 5 7 9 11 15 17 15 17 अच्छा बी यूनियन सी, ये बी यूनियन सी लिखा हुआ है तो बी यूनियन सी 7 9 11 13 और 15 7 9 11 13 15 7 9 11 13 एंड 15 कैसे हुआ 7 9 11 13 तो 11 13 इसमें है और 15 भी आ गया, हो गया। अब इसका इंटरसेक्शन ए यूनियन डी का इंटरसेक्शन बी यूनियन सी से तो क्या हो जाएगा, देखिए 7 मिल रहा है, 9 मिल रहा है, 11 मिल रहा है, तो 7 9 11 तो इस तरीके से हमने देखा क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट। तो आप लोग वीडियो पॉज कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अपने नोटबुक पर नोट कर लीजिए। हमने क्वेश्चन नंबर 6 देख लिया, क्वेश्चन नंबर 6 में हमने ये देखा कि कैसे इंटरसेक्शन निकाला जाता है, इसमें 7 9 11 मिला, 9 तो लिखे ही नहीं हमने, तो ये थोड़ा सा गलत हो गया, 7 9 11 और देख लेते हैं 2 में कहीं कुछ मिस्टेक, वैसे आप लोग देख लीजिए जो जो मिलता है उसी को इंटरसेक्शन कहते हैं, ये तो सही लग रहा है। ये भी सही लग रहा है 5 और ये भी सही लग रहा है 7 सही लग रहा है और ये भी सही लग रहा है, यहाँ पे 7 9 और यहाँ पे 11 के बाद 15 भी है, देखिए ये 15 है, ये 15 है तो 11 15 इंक फिल करना होगा। तो अब आप चाहें तो वीडियो पॉज कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें और पूरे क्वेश्चन को नोट कर लें, आंसर को सॉल्यूशन को नोट कर लें। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमने देखा क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक एक्सरसाइज 1.4 का। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर कर दें। जब तक हम अपना नया वीडियो न लाए तब तक के लिए गुड बाय।